एसएमएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। खराब भोजन से सावधान, बंद होगी दुकान। केदार के तूफान में उड़ी बीजेपी। नागपुर में 13 नए पॉजिटिव। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य विक्रेताओं को 1 अक्टूबर तक पंजीकरण करने का निर्देश दिया था, लेकिन अब यह तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। ऐसे में जिन दुकानदारों ने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उनको थोड़ी राहत जरूर मिली है। सरकार ने खाद्य संबंधित दुकानदारों के लिए FSSAI रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना अनिवार्य कर दिया है। वहीं डिस्प्ले के माध्यम से दुकानदार से लेकर रेस्टोरेंट तक सभी को जानकारी देनी होगी कि वे किस खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी खबर, ओबीसी सीटों की मान्यता रद्द होने के बाद 5 अक्टूबर को हुए उपचुनाव में जिले में कांग्रेस और मजबूत होकर उभरी है। उपचुनाव में गोदनी रेलवे से कांग्रेस के उम्मीदवार कुंदा राउत ने सबसे अधिक लीड प्राप्त की। सभी 16 सीटों में जीतने वाले उम्मीदवारों में सर्वाधिक लीड उन्हें ही मिली। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 3,803 वोट के अंतर से पराजित कर अपनी धमक साबित कर दी। अपने सर्कल के सभी गांवों में उन्होंने घर घर पहुंचकर नागरिकों से भेंट दी थी। जमीन से जुड़ी राउत को मतदाताओं ने पहली पसंद के रूप में चुना। वे पहले भी जिला परिषद सदस्य रह चुकी हैं। तीसरी खबर, पिछले 48 घंटे में जिले में 7,318 सैंपलों की जांच की गई। इनमें से 13 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं 19 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई है। बुधवार को जिले में 4,168 सैंपलों की जांच की गई। इनमें शहर के 3,241 व ग्रामीण के 927 शामिल थे। फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।